तो दोस्तों इस बाइक का एक जो साउंड हम ऑन करके सुन लेते हैं कि किल स्विच ऑन ही है। तो दोस्तों आज हमारे पास है एक लीजेंड बाइक जो कि अपने सेगमेंट में एक किंग बाइक है। इस बाइक का नाम है बजाज की पल्सर 220F। इसको लेके एक गुड न्यूज़ भी है एंड बैड न्यूज़, दोनों आपको बताने वाला हूँ वीडियो में। उससे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं इस बाइक के बारे में। आपको 220cc की आपको किसी अदर ब्रांड में बाइक देखने को नहीं मिलेगी। आपको अगर 220cc की बाइक चाहिए तो आपको यही एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। और इसकी प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ, एक्सरूम आपको पड़ जाती है 1,33,000 के आसपास, ऑन रोड आपको पड़ जाएगी 1,62,000 के आसपास। ये प्राइस मैं आपको मुंबई का बता रहा हूँ और इस शोरूम का नाम है पाइनर बजाज। ये आपको मुंबई में पड़ने वाला अंधेरी ईस्ट साकी नाका के पास में। और भी बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में। इस बाइक के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं वीडियो में, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। इस बाइक की अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं, साथ में अपडेट होना चाहिए तो क्या क्या अपडेट होना चाहिए, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। सो दैट हम लगाते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं आपको सबसे पहले गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ दोनों बता देता हूँ। न्यूज़ ये है कि ये बाइक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 220F के और भी कलर हैं, आप कॉल करोगे तो आपको शोरूम पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको 220F मिल जाएगी इस शोरूम पे। और बैड न्यूज़ ये है कि ये बाइक को बंद कर दिया गया है, कुछ समय तक मिलेगी नहीं तो नहीं मिलने वाली है, तो मैंने पहले ही बताया है। और एक अच्छी बात ये भी निकल के आ रही है कि 220F को अपडेट किया जा रहा है। सो क्या क्या अपडेट है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक रफली बताऊंगा क्या क्या अपडेट होने चाहिए वीडियो में। सो दैट हम लगाते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं। अभी तो आपको ऐसा कुछ फ्रंट लुक मिल जाता है, इसकी फ्रंट लुक में कुछ भी चेंजेस ना करें, इसका फ्रंट लुक सबको अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस अभी आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाता है, अभी इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में आप यहाँ पर आपको बल्ब मिलते हैं, ऐसा कुछ LED वाला कुछ दे दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इंडिकेटर की बात करें तो ये भी LED कर दिया जाए, ये भी आपको बल्ब मिलता है। सो यहाँ पर कुछ चेंजेस हो जाएं तो बहुत गजब की ये बाइक हो जाएगी। और फ्रंट लुक को प्लीज़ चेंज ना करें, ये फ्रंट लुक बहुत अच्छा लगता है। और मिरर आपको ऐसे कुछ मिल जाते हैं, मिरर का कुछ और ऑप्शन सोच लें तो ज़्यादा सही रहेगा। सो इस बाइक का ओवरऑल फ्रंट लुक आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। और इसकी हेडलाइट हम ऑन करके देख भी लेते हैं और किल स्विच और बाइक सब चल के देख लेते हैं। सो ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसी दिखती है। ये रहा पायलट लैंप, ये रहा आपका हाई बीम, ऑन कर देता हूँ, ये रहा हाई बीम पे ऐसे कुछ दिखेगा। और इंडिकेटर भी देख लेते हैं चलो। सो ये रहा इंडिकेटर और रियर वाले सेक्शन में चलते हैं। ये रहे इसकी टेल लाइट जो कि आपको LED मिल जाती है। ये रहा रियर का इंडिकेटर। और अभी हम सबसे पहले इसको ऑफ कर देते हैं किल स्विच एंड की से। मैं आपको बता देता हूँ जब आपको बाइक ऑन या ऑफ करना होगा, सबसे पहले आप किल स्विच से ऑफ किया करो, उसके बाद की से। तो इस बाइक का फ्रंट लुक आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इसकी हेडलाइट को LED कर दिया जाए, इंडिकेटर को LED, बाकी लुक ऐसा रहा तो भी चलेगा, बहुत अच्छा दिख रहा है। और मडगार्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर की टच मिल जाती है, लेकिन इसको थोड़ा और स्पोर्टी बना दिया जाए मेरे हिसाब से। और अभी बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन की। सस्पेंशन आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है, और टेलीस्कोपिक मिलेगा तो भी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और रियर की बात करें, रियर में आपको 5-way एडजस्टेबल नाइट्रोक शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है, जो कि यहाँ पे मुझे थोड़ा इसका माइनस पॉइंट लगता है। यहाँ पे अगर मोनो शॉक एब्जॉर्बर होता तो ज़्यादा अच्छा कंफर्ट आपको मिल जाता। सो यहाँ पे मोनो शॉक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके टायर की बात करें तो आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, टायर सही है। और ब्रांड की बात करें तो आपको यूरो ग्रिप का भी मिलता है। टायर साइज अगर थोड़ी सी वाइडर हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था। फ्रंट में आपको अभी मिलता है 90x90 का, लेकिन फ्यूचर में कुछ हुआ थोड़ा अपडेट हो जाए ज़्यादा सही रहेगा। और रियर का मैं आपको दिखा देता हूँ, रियर आपको वाइडर मिलता है, लेकिन इससे भी वाइडर मिलना चाहिए थोड़ा सा, और रेडियल टायर होना चाहिए। वैसे अभी भी आपको इसमें टायर अच्छे मिल जाते हैं जो कि ब्लॉक पैटर्न के साथ में आते हैं, आप ऊबड़ खाबड़ या स्लिपरी जगह पे आसानी से चला सकते हो इस टायर को। और टायर साइज की बात करें तो अभी आपको मिलता है 120x80 सेक्शन का, लेकिन फ्यूचर में अगर अपडेट होता है थोड़ा सा वाइडर हो जाए, रेडियल टायर हो जाए रियर का। फ्रंट का रेडियल नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन रियर का होना चाहिए। और भी बात कर लेते हैं इसके व्हील की। सो व्हील तो नॉर्मल आपको सही है, अलॉय व्हील मिल जाती है, लेकिन इसका डिजाइन थोड़ा चेंज कर देना चाहिए, जैसे NS टाइप का ऐसा दे दे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। आपको 17 इंच की एलॉय व्हील फ्रंट में मिल जाएगी, रियर में भी। और ब्रेक की बात करें तो आपको डुअल डिस्क मिल जाता है, जिसकी साइज आपको 280mm मिल जाएगी फ्रंट में, रियर में 230mm। डिस्क साइज सेम है, लेकिन आपको इसमें भी सिंगल चैनल ABS मिलता है। फ्यूचर में अगर अपडेट होता है तो कम से कम डुअल चैनल ABS देना चाहिए, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। और अभी हम यहाँ की बात कर लेते हैं, ये रहा इसका इंजन काउल, ऐसे कुछ मिल जाएगा स्पोर्टी टच के साथ में। ये रहा इसका इंजन, इसका इंजन तो काफ़ी बेस्ट है। और ये रहा आपका कूलिंग सिस्टम, इसमें आपको ऑयल कूल मिल जाता है। फ्यूचर में अगर अपडेट होती है तो कम से कम लिक्विड कूल मिल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। और अभी इसके इंजन
इंजन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको इंजन मिल जाएगा 220 सीसी का, जिसकी पावर आपको मिलने वाले 20.4 पीएस एट 8500 आरपीएम, और आपको टॉर्क मिल जाएगा 18.155 न्यूटन मीटर एट 7000 आरपीएम। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर फोर स्टॉक टू वाल्व, यहाँ पर थोड़ी सी कमी लगती है, अगर इसमें फोर वाल्व अपडेट हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। और कूलिंग सिस्टम आपको मिलता है अभी ऑयल कूल, लेकिन फ्यूचर में शायद लिक्विड कूल मिले तो ज़्यादा सही रहेगा। और इसमें आपको सिंगल सिलेंडर फोर स्टॉक फोर टू वॉल्व ऑयल कूल FI, और साथ में आपको मिल जाता है 5 स्पीड गियरबॉक्स। और गियरबॉक्स लगेगा कैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा आपका गियर पैड, राइडर फुटरेस्ट, गियरबॉक्स जो है पहला आपको नीचे जाएगा, बाकी के फोर ऊपर की तरफ लगने वाले हैं। ये रहा आपका पिलियन राइडर फुटरेस्ट, और इधर से बाइक कुछ ऐसी दिखेगी। सो ऐसा कुछ आपको स्टिकर वर्क मिल जाएगा। ये थोड़ा नया कलर है, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, पल्सर की ब्रांडिंग, और ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ पे ऐसा कुछ चेंज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कुछ और अच्छा डिज़ाइन लेके आएंगे तो भी चलेगा। सो यहाँ की बात करें, इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाले, 220F की ब्रांडिंग, स्टिकर वर्क, ये रहा सारी गार्ड आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा, एंड चैन ड्राइव आपको कुछ ऐसे मिलने वाले हैं। इसमें आपको सिंगल स्टैंड एंड डुअल स्टैंड मिल जाता है, इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मतलब हो जाता तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। ये रहा इस बाइक के लेफ्ट साइड का फुल व्यू, लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी, और कौन कौन से बदलाव आप देखना चाहोगे नेक्स्ट टाइम जब ये अपडेट होके आएगी। और भी चलते हैं इसके रियर साइड में। सो रियर से बाइक कुछ ऐसी दिखने वाले, रियर से भी काफ़ी स्टाइलिश दिखती है। इसके टेल लैंप की बात करें तो LED मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर, ये रहा रियर का मड गार्ड, और इंडिकेटर आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे। सो रियर का व्यू भी आपको अच्छा मिल जाता है, लेकिन रियर में यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। ये जो टेल का डिज़ाइन है काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा दिखता है, ये थोड़ा सा चेंज कर दें। जैसे N सीरीज़ में भी चेंज किया है N250 एंड F250 में, लेकिन वैसा कुछ सेम टू सेम मत दे, थोड़ा अलग डिज़ाइन लेके आए। और भी चलते हैं इसके राइट साइड, यहाँ पे आपको 220F की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एंड सीट काउल के नीचे स्टिकर वर्क, इधर से बाइक कुछ ऐसी दिखेगी, एंड नेट जैसी डिज़ाइन। ये रहा आपका पिलियन राइडर फुटरेस्ट, और ये रहा इसका एग्जॉस्ट, इसका साउंड तो काफ़ी कड़क है, बाकी ये जो एग्जॉस्ट साउंड का डिज़ाइन है इसको भी थोड़ा चेंज करना चाहिए। सो ये रहा राइडर फुटरेस्ट, ये रहा ब्रेक पैड, और ये रहा इसका इंजन, आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा इधर से। ये रहा इसका इंजन काउल, स्पोर्टी टच के साथ में आता है। सो इसके कैटलेटिक कन्वर्टर की बात करें तो वो अंदर की तरफ है, जो कि छुपा हुआ है। और ये इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। ये रहा टैंक का डिज़ाइन, पल्सर लिखा हुआ, स्टिकर वर्क, वैसे इसका डिज़ाइन एंड लुक बहुत अच्छा दिखता है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए तो भी ठीक है, लेकिन कुछ फीचरिस्टिक टाइप का डिज़ाइन लेके आएंगे तो भी गजब का दिखेगा। तो ये रहा इसके राइट साइड का फुल व्यू, राइट साइड से बाइक कुछ ऐसी दिखती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये बाइक किसको किसको पसंद है। और भी बात कर लेते हैं इस बाइक की सीट कम्फर्ट एंड फ्यूल टैंक के बारे में। सो ये रही इस बाइक की सीट, आपको इस बाइक में स्प्लिट सीट मिलने वाली, जो कि अच्छी खासी कम्फर्टेबल रहने वाली राइडर एंड पिलियन राइडर को। पिलियन राइडर को लॉन्ग राइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन राइडर को नहीं होगी, राइडर को बहुत मज़ा आने वाला है और कंफर्ट भी अच्छा मिल जाएगा। और आपको ऐसे कुछ ग्रैबलर मिल जाएंगे। ये रहा आपका सीट काउल, अभी हम बात कर लेते हैं इसके टैंक की। सो ये रहा इसका टैंक, और हाँ यहाँ पे आपको सीट का भी अपडेट करना चाहिए, जैसे N250 में हुआ है, उसकी सीट मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बहुत ही सॉफ्ट है इसकी कंपेरिजन में। सो वैसा कुछ अपडेट इसमें भी हो जाए तो गजब की हो जाएगी ये बाइक। और टैंक की बात की तो ये रहा टैंक, टैंक का डिज़ाइन बहुत अच्छा, जो कि सबको पसंद आता है, खासकर ये पल्सर लिखा हुआ 3D में, स्टिकर वर्क, और यहाँ पे आपको टैंक पैड मिल जाता है। फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और इसकी माइलेज आपको मिल जाती है लमसम 35-40 के आसपास, बाकी डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हो। सो टैंक का डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए तो भी चलेगा, और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी बहुत है। और बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल की। सो इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। इसमें आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, यहाँ पे चेंजेस होने चाहिए क्योंकि ये बहुत पुराना मीटर कंसोल हो गया है। यहाँ पे आपका RPM शो करेगा, एक छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, RPM लिमिट, स्पीड, ओडोमीटर, और ऐसे कुछ आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगे, फ्यूल का यहाँ पे बताएगा, एंड छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली, ABS लाइट, एंड सेट रिसेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एंड साइड साइड में आपको कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिलेगी, जो कि थोड़ा प्रीमियम लुक ऐड कर रही है। लेकिन इसका डिज़ाइन जो है अभी N250 जैसा कुछ मिल जाए तो काफ़ी गजब का रहेगा। उसका मीटर कंसोल मुझे बहुत अच्छा लगा, ज़रूरी नहीं है कि ये मीटर कंसोल पूरा का पूरा डिजिटल हो, वैसा कुछ मिल जाए तो बहुत गजब का है। और अभी हम इसके रेसिंग हैंडल बार की बात कर लेते हैं, थ्रोटल, ब्रेक लीवर, किल स्विच एंड सेल्फ स्टार्ट, और इसमें आपको स्प्लिट रेसिंग हैंडल बार मिल जाते हैं, जो कि ये होना ही चाहिए। और यहाँ पे आपको अपर डिपर, इंडिकेटर, हॉर्न, ये आपका पासिंग का, ये आपका क्लच लीवर, और आपको स्लीपर क्लच मिल जाए N250 की तरह। सो अभी हम इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं, इसकी लेंथ आपको मिलने वाले 2035 mm, विड्थ आपको मिल जाएगी 750 mm, हाइट है इसकी 1165 mm, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाला 165 mm, और व्हील बेस है 1350 mm, और इसका वेट आपको मिलने वाला 160 kg।
कलर ऑप्शन आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, काफ़ी सारे ग्राफिक्स वाले भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन अभी तो वो सब बंद होने वाले हैं। लेकिन नया कुछ आए तो कुछ अच्छा डिसेंट सा ऐसा बनाया जाए मस्त। वैसे इनके सारे जितने कलर ऑप्शन थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, जो बीच में निकाल दिया था ऐसा कुछ रेड मैट वाला ऐसा कुछ थोड़ा अजीब सा दिखता था, लेकिन उसमें एक ब्लैक रेड था मैट फिनिश, वो काफ़ी अच्छा दिखता था। सो अभी आपको इस शोरूम पर ये बाइक मिल जाएगी 220F, आप कॉल कर लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पर। और इसकी प्राइस की बात करें मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एक शोरूम आपको पड़ने वाली है 1,33,000 के आसपास, और आपको पड़ जाएगी 1,62,000। सो दोस्तों हम लोगों ने बात की 220F के बारे में, क्या क्या अपडेट होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या क्या अपडेट होना चाहिए आप लोग भी कमेंट करके बताओ। मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन यह बाइक ऐसी रही तो भी चलेगा, लेकिन इस बाइक को बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा, अगर अपडेट होकर आती है तो जो मैंने बताया ऐसे कुछ अपडेट हो जाए तब तो ये बाइक एकदम बवाल, मतलब बहुत ज़्यादा सेल होने वाली है और बहुत ही अच्छी रहने वाली है अपने प्राइस रेंज के साथ में। थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कोई भी चाहता तो एक अच्छी बाइक एंड परफेक्ट बाइक। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इस बाइक में कुछ अपडेट हुए एंड चेंजेस हुए तो इसकी प्राइस ज़रूर बढ़ने वाली है, लेकिन बजाज प्राइस को लेके काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखता है। जैसे देखा जाए N250 लॉन्च हुई लेकिन उसकी प्राइस इतना ज़्यादा नहीं गई जितना कि एक्सपेक्ट किया था, बहुत ही सही प्राइस रखी है। इसमें भी ऐसा कुछ करेगी जब ये अपडेट होगा चेंज होगा, और इस पर काम चल रहा है ऐसा कुछ पता चल रहा है, ऐसा कहीं किसी वेबसाइट या कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन सब अंदर की बातें हैं समझ लो यार। सो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।